हेलो एंड वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। ये लेक्चर नंबर 52 है। इसमें हम लोग नॉन इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर जहां पर हम कॉर्टेक्स टाइप के डिटोनेटिंग फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं वहां जो ब्लास्टिंग होती है उसको थोड़ा समझेंगे। लार्ज डाया के जो ब्लास्ट होल्स होते हैं ओपन कास्ट के अंदर, उसमें अगर हम जो लीड वायर वाला इलेक्ट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो उसके कुछ धोखे जरूर है। कई बार वो स्ट्रे करंट की वजह से, मान लीजिए लाइटनिंग हो रही है, कहीं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स उसको मिल जाता है किसी भी कारण से, फ्रिक्शन से, किसी भी वजह से, तो उसमें करंट पास होने की संभावना होती है एंड दिस में लीड टू सर्टेन एक्सीडेंट्स आल्सो एंड मिसफायर्स ड्यू टू लीकेज ऑफ करंट। मिसफायर इसलिए होता है कि जो वायर्स होती है वो बहुत महीन होती है, पतली होती है, उसके ऊपर का जो इंसुलेशन अगर कहीं किसी कारणवश स्टेमिंग की वजह से या किसी रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से निकल जाता है तो जितनी भी कंडक्टिव ओर बॉडीज है, सल्फाइड ओर बॉडीज है, उसमें एक धोखा मिसफायर का होता है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्ट्रे करंट्स, लाइटनिंग के दौरान होने वाले कुछ, मान लीजिए करंट इधर उधर कुछ हो जाता है तो इसमें इनिशिएशन हो सकता है विच इज अनइंटेंडेड। और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक डिटोनेटर की जो लीड वायर है ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, ये 3 मीटर 4 मीटर की गहरे होल के लिए मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको जब लार्ज डाया होल्स करने होते हैं तो लंबे होल्स लगाने पड़ते हैं ओपन कास्ट में, और ऐसी सूरत में हम इस प्रकार की ब्लास्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा तरीका है डिटोनेटिंग फ्यूज। ये बिल्कुल सेफ्टी फ्यूज की शक्ल की होती है, थोड़ी उससे पतली हो सकती है मामूली, और इसका जो खोल है या इसके ऊपर जो कवर है वो प्लास्टिक कोटेड होता है नेसेसरीली। इसके अंदर PETN यानी कि पेंटा एरिथ्रेटॉल टेट्रानाइट्रेट नाम का एक बहुत ही हाई एक्सप्लोसिव रहता है जिसे टेप के अंदर रैप किया गया होता है, इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। इसका एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो 5 mm के आसपास होता है और इसका वजन 20 grams पर मीटर ऑफ लेंथ रहता है। ये जो पूरी ट्यूब है ये ही एक अपने आप में डिटोनेटर है। इसकी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन 6,500-7,000 meters per second के आसपास होती है और इसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स को हम इन्हीं को आपस में बांध के टाई करके डिटोनेटिंग फ्यूज को, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है जो कि डिटोनेटर के जितना ही पावर होता है उसके अंदर, तो इनको जस्ट अगर आप टाई कर देते हैं एक फ्यूज को दूसरे फ्यूज से तो ये अपने अंदर से जो डिटोनेटिंग वेव्स है उसको पास कर सकता है। जैसे सेफ्टी फ्यूज को अगर हम एक दूसरे में बांध लेते हैं तो उसमें से आग ट्रांसफर हो सकती है, वैसे ही इसमें से जो शॉक वेव्स है वो ट्रांसफर होती है, क्योंकि हमको हाई एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए शॉक वेव्स की जरूरत होती है। और इसको जब इनिशिएट करना होता है तो हम किसी ऑर्डिनरी डिटोनेटर से या फिर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर से, दोनों तरीके से इसको इनिशिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, तो वाटरी कंडीशन में बखूबी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है। इसके अंदर हर मीटर की लंबाई में 10 ग्राम तक PETN एक्सप्लोसिव होता है। इससे भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एक नॉनेल ट्यूब आती है, इसका नाम ही नॉनेल यानी कि नॉन इलेक्ट्रिकल है, उसको हम अगले लेसन्स में देखेंगे। और उसकी जो ब्लास्टिंग की पद्धति है वो भी काफ़ी मैनोरेबल और वर्सटाइल किस्म की होती है, जिसमें हम इस डिटोनेटिंग फ्यूज से भी ज़्यादा अच्छे से काम में उसको लिया जा सकता है। ये देखिए, ये इस प्रकार का एक रोल दिख रहा है आपको और इसके ऊपर ये ट्यूब लपेटी हुई है, यही है डिटोनेटिंग फ्यूज। कॉर्टेक्स के नाम से भी ये फ्यूज आती है, एक कंपनी का नाम है कॉर्टेक्स, और इसमें सरफेस माइन में इसका इस्तेमाल होता है अमूमन।
और इसको जैसा मैंने बताया कि किसी भी डिटोनेटर से, ऑर्डनरी डिटोनेटर से मान लीजिए इस सिरे पर इसका डिटोनेटर एक बांध दिया जाए तो, और उसको इनिशिएट कर दिया जाए थ्रू इलेक्ट्रिक या इवन सेफ्टी फ्यूज से इनिशिएट कर दिया जाए ऑर्डनरी डिटोनेटर को, तो भी वो जो शॉक वेव होगी वो इसमें से गुजर के जहाँ जहाँ ये ट्यूब जा रही है जिस होल में वहाँ इसका इनिशिएशन पहुँच जाएगा। यहाँ मल्टीपल शॉट्स या सिक्वेंशियल ब्लास्टिंग में भी इसका इस्तेमाल आराम से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज प्राइमर एंड बूस्टर। जैसे हमने देखा है कि जो स्मॉल होल्स होते हैं उसके अंदर 5-6 कार्ट्रिज हम लगाते हैं स्मॉल डायमीटर के होल के अंदर, और जिस कार्ट्रिज में डिटोनेटर होता है उसी को हम प्राइमर कार्ट्रिज कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जो मेन एक्सप्लोसिव होता है ओपन कास्ट में काम में आने वाला, वो जनरली ब्लास्टिंग एजेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते। अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे तो खतरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनएडवर्टेंट कोई शॉक या एक्सीडेंटल कोई शॉक लग जाता है तो वहाँ एक्सप्लोशन हो सकता है। तो ये जो है इट इज़ नॉट दैट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव, और इसको एक सफिशियंट इंटेंसिटी के शॉक की ज़रूरत होती है जो कि एक मामूली डिटोनेटर से नहीं मिल सकता है। तो प्राइमिंग अ चार्ज मीन्स सिंपली पोजिशनिंग अ सुटेबल प्राइमर विद इन अ चार्ज और कॉलम ऑफ एक्सप्लोसिव। चार्ज या कॉलम ऑफ एक्सप्लोसिव या वो पूरा जो कॉलम है जिसके अंदर बारूद भरी हुई है उसको हम लोग इनिशिएट करने के लिए उसके अंदर एक प्राइमर लगा देते हैं जो कि डिटोनेटर को कंटेन करता है, जिसके अंदर डिटोनेटर होता है। और ये जो प्राइमर होता है ये प्राइमरी इनिशिएटिंग एक्सप्लोसिव है इसके अंदर, और वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ डिटोनेशन वेव्स क्रिएट करता है और ये पूरे एक्सप्लोसिव कॉलम को एफिशिएंटली ब्लास्ट कर देता है। एक कोई एक्सप्लोसिव अगर इट इज़ नॉट प्रॉपरली इनिशिएटेड, अगर उसको रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का इनिशिएशन नहीं मिला तो आपका पूरा एक्सप्लोसिव कॉलम हो सकता है कि ढंग से इनिशिएट ना हो और आपको ऑप्टिमम ब्लास्टिंग एफिशिएंसी ना मिल पाए। इसको अगर हम कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज कर देते हैं प्राइमिंग का, कि सही जगह पर उसको नहीं लगाते जहाँ लगाना है प्राइमर को, तो भी हमारा जो बूस्टर की या प्राइमर की पोजीशन की वजह से भी ब्लास्टिंग की एफिशिएंसी के ऊपर असर हो सकता है। तो हमने उसे ऐसी जगह पर रखना है कि पूरे एक्सप्लोसिव कॉलम में सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड। तो प्राइमर क्या है? एक यूनिट है, एक ऐसा कार्ट्रिज है जिसके अंदर एक कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव रखा हुआ है और उसके अंदर एक डिटोनेटर डाला हुआ है। अब ये डिटोनेटर या तो आप इलेक्ट्रिक वाला डाल दीजिए, लेकिन जैसा मैंने बताया कि लंबे होल्स जहाँ पर है तो हम डिटोनेटिंग कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कॉर्ड कितनी भी लंबाई तक पहुँचाई जा सकती है। तो डिटोनेटर डालने की बजाय अगर हम डिटोनेटिंग कॉर्ड ही उसके अंदर डाल दें तो भी उसका काम हो जाएगा। प्राइमर का जो मेन काम है वो मेन चार्ज या जो कॉलम चार्ज है उसको इनिशिएट करना है, और प्राइमर कार्ट्रिज जो है इसे हम साइट पर ही असेंबल करेंगे। जिस जगह पर हमको ब्लास्टिंग करनी है वहीं पर इस प्राइमर कार्ट्रिज के अंदर हम डिटोनेटिंग फ्यूज को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्राइमर विच इज कंटेनिंग द डिटोनेटर और डिटोनेटिंग फ्यूज इट मे कॉज सम प्रॉब्लम्स। कहीं एक्सीडेंटल कुछ हो जाए तो इनिशिएशन और एक्सप्लोसिव हो सकता है, इसलिए हमको प्राइमिंग या उसके अंदर जो हम कॉर्ड हम उसके अंदर डालते हैं डिटोनेटिंग कॉर्ड, उसको हमें उसी समय डालना है जिस समय पर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं साइट के ऊपर। दूसरी ओर हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पर हम एन्फो का इस्तेमाल कर रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जैसे एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक ब्लास्टिंग एजेंट है, थोड़ा कमज़ोर ब्लास्टिंग एजेंट है लेकिन ये सस्ता भी है, तो ऐसी जगह पर हमें ध्यान में रखना है कि जो प्राइमर है उसका डायमीटर होल के डायमीटर के जैसा ही होना चाहिए ताकि अच्छे से होल में उसकी कपलिंग हो जाए और पूरे थ्रू आउट द डायमीटर ऑफ होल जो इनिशिएटिंग वेव्स है वो ट्रांसमिट हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी एनफो का जो ब्लास्टिंग होता है वो लार्ज डाया होल के लिए ही सुटेबल है, इसमें स्मॉल डाया होल अगर रहेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंटली ब्लास्टिंग नहीं हो सकती है। तो प्राइमर का जो जो डायमीटर है वो भी होल के डायमीटर के जैसा ही होना चाहिए, उसको सुटेबल होना चाहिए। और बूस्टर क्या
क्या है बूस्टर, यानी जो ऐसा एक्सप्लोसिव का यूनिट है जो कैप सेंसिटिव है, जैसे कि प्राइमर के अंदर जो एक्सप्लोसिव होता है वैसा ही, और वो बूस्ट करता है। कहीं पर अगर एनर्जी ऑफ ब्लास्टिंग कम हो रही है या वीओडी कम होते जा रही है तो उसको एक बूस्ट कर देता है, और उस जो वेव्स है शॉक वेव्स उसको आगे बहुत रफ्तार से ट्रांसमिट करता है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बूस्टर के अंदर देर इज नो डिटोनेटर। सो प्राइमर और बूस्टर में एक लेमैन्स लैंग्वेज में हम ये समझ सकते हैं कि प्राइमर कंटेन्स द डिटोनेटर वेयर एज बूस्टर डजेंट। बूस्टर को जो नीचे से जो एनर्जी आएगी जिस एक्सप्लोसिव कॉलम से, वो उसके अंदर के कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव को इनिशिएट करने के लिए सफिशिएंट होती है, और ये बूस्टर और भी ज़्यादा तेजी से उस एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करता है, जो कि आगे उसके रहने वाले जो ब्लास्टिंग एजेंट्स है उसको बहुत अच्छी गति से डिटोनेटिंग वेव्स मिल सके। तो इसका पर्पज एक इंटेंसिफाई दी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। ये कई बार बीच के अंदर या नीचे भी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ इसको रखा जाता है। इसकी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन जो है वो भी 7,500 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है। जनरली पेंटोलाइट बूस्टर का इस्तेमाल होता है खदानों में, और पेंटोलाइट के अंदर PETN और टेट्रानाइट्रो टोल्यून TNT इनका मिक्सचर होता है। तो बूस्टर कैन बी यूज्ड एज प्राइमर आल्सो। अगर इसी बूस्टर में हम डिटोनेटर डाल दें या डिटोनेटिंग फ्यूज डाल दें तो उसे हम प्राइमर कहेंगे, क्योंकि प्राइमर और बूस्टर में बेसिक फर्क यही है कि बूस्टर में देर इज नो डिटोनेटिंग फ्यूज एज सच। देखिए ये एक होल का सेक्शन दिया गया है। ये होल है, इसमें आप देखते हैं कि ये बेंच है, इस तरफ फ्री फेस है। अगर ये ब्लास्टिंग होती तो इधर ही ये सारा मटेरियल जाएगा। दिस इज द बर्डन विच इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द होल टू द फ्री फेस। और यहाँ पर हमने इस होल को चार्ज किया हुआ है, तो यहाँ पर ये कॉलम चार्ज या मेन चार्ज जो है वो ये है, जो कि जनरली एक ब्लास्टिंग एजेंट होता है, या तो स्लरी एक्सप्लोसिव होगा या इन्फो होगा या फिर इमल्शन एक्सप्लोसिव होगा। और ये स्टेमिंग है ऊपर, और यहाँ पर इसका बॉटम चार्ज दिखाया गया है। ये होल थोड़ा इंक्लाइंड है वर्टिकल से, सब ग्रेड ड्रिलिंग की गई है ताकि देयर शुड नॉट ऑकर एनी काइंड ऑफ टो प्रॉब्लम। तो ये एक होल दिखाया गया है। कई बार इस ढंग का बैक ब्रेक भी हो जाता है जब होल ब्लास्ट होता है। तो ये देखिए ये एक वही सेक्शन दिखाया गया। अब यहाँ पर ये एक प्राइमर दिया है नीचे विच इज कंटेनिंग दी दिस डिटोनेटिंग फ्यूज। ये फ्यूज इसके अंदर इंसर्ट हो रही है। अब ये बीच में यहाँ बूस्टर दिया हुआ है। हो सकता है कि प्राइमर की एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं हो रही है कि इस कैप को, ये पूरे कॉलम एक्सप्लोसिव को इनिशिएट कर सके, तो टू असिस्ट दिस प्राइमर एक बूस्टर यहाँ दिया है। ये बूस्टर कई बार ऐसा बीच में भी दिया जाता है। यहाँ देखिए कि ये कुछ प्राइमर्स है, कास्ट बूस्टर जो होते हैं, मतलब कास्ट यानी जो बने बनाए बूस्टर आते हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि ये इस प्रकार से प्लास्टिक की उसकी कंटेनर है मजबूत सा, और कास्ट बूस्टर के अंदर ही आपने जब ये डिटोनेटिंग फ्यूज डाल दी तो उसको हमने प्राइमर बना दिया कास्ट बूस्टर को। सो प्राइमर इज अ बूस्टर और कार्ट्रिज कैरिंग द एक्सप्लोसिव, सॉरी कैरिंग द डिटोनेटर, या फिर इसको कपल कर दिया जाता है, यानी एक प्रकार से उसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है डिटोनेटिंग कॉर्ड के साथ में। और ये फिर बूस्टर जो है उसको जरूर हम कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन प्राइमर को नीचे रखना ही जरूरी होता है ताकि बॉटम से उसका इनिशिएशन हो सके, इनवर्स इनिशिएशन हम जैसे जानते हैं। यहाँ दो फॉर्म में हमको प्राइमर्स मिलते हैं। एक तो होते कास्ट यानी बने बनाए रेडीमेड टाइप के, जिसमें हाई डेंसिटी प्राइमर इसको कहते हैं, खास करके जो कास्ट बूस्टर्स होते हैं, कास्ट प्राइमर्स होते हैं, इसके 2 इंच के डायमीटर या उससे बड़े डायमीटर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और दूसरे होते हैं इलास्टोमेरिक, जिसके अंदर PETN होता है और लैटेक्स का मिक्सचर होता है, और ये छोटे होल्स
के लिए यानी कि छोटे डायमीटर के होल्स जो 2 इंच से कम होते हैं वहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ये प्राइमर्स जो होते हैं ये कई वैरायटी ऑफ साइजेस में आते हैं। इसके अंदर जनरली जो कास्ट वाले वैरायटी इसमें PETN, RDX, पेंटोलाइट इस प्रकार के इसके ट्रेड नेम्स भी रहते हैं और इसके अंदर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्लोसिव भी होता है। और इसको आप नंबर 6 या नंबर 8 के ब्लास्टिंग कैप से यानी कि डिटोनेटर से भी इनिशिएट कर सकते हैं या डिटोनेटिंग कॉर्ड से भी आप यानी कि जो अपन ने पीछे देखा है डिटोनेटिंग फ्यूज जो होती उससे भी आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये कास्ट प्राइमर्स यानी जो बने बनाए जो प्राइमर्स आते हैं उसमें ये हाई डेंसिटी का उसके अंदर TNT, RDX, पेंटोलाइट इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसको बहुत ही अच्छी कंटेनिंग सिस्टम के अंदर रखा जाता है। वो बहुत फास्ट और पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है और ये इतना ज़रूर है कि दे आर इनसेंसिटिव टू एक्सीडेंटल डिटोनेशन, ताकि कोई फ्रिक्शन या शॉक की वजह से अगर बीच में ही उसको कुछ इनिशिएशन मिल जाए तो वो इतने इनसेंसिटिव होते हैं कि उससे वो ब्लास्ट ना हो, नहीं तो बहुत डेंजर हो सकता है। प्योर TNT इज नॉट रिलायबल डिटोनेटर, रिलायबली इट इज डिटोनेटर बैट 6 और नंबर 8 ब्लास्टिंग कैप। सो कास्ट प्राइमर्स ऑफ TNT इंक्लूड ए मोर सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, यानी TNT वाला जो रहेगा कास्ट प्राइमर उसके अंदर PETN जैसा कोई ज़्यादा सेंसिटिव एक्सप्लोसिव डाला जाता है, क्योंकि ये जो नॉर्मल TNT है वो इस 6 या 8 नंबर के जो स्ट्रेंथ के ब्लास्टिंग कैप्स होते हैं उससे ब्लास्ट नहीं होता है। तो बहुत से कास्ट प्राइमर्स जो है वो जो दे आर मैन्युफैक्चर्ड विथ ए होल थ्रू द मिडिल, उसके अंदर एक बीच में होल ज़रूर होता है और एक ऑफ सेंटर होल होता है जो छोटा होता है, ताकि वो बीच के होल से कॉर्ड को निकाल के ऑफ सेंटर होल में उसको एक प्रकार से हुकिंग कर दिया जाए। तो सेंट्रल होल जो इट इज़ डिजाइंड टू बी डिटोनेटेड बाय एक्सप्लोसिव डिटोनेटिंग कॉर्ड, सेंटर के होल में से कॉर्ड पूरी थ्रू पास होती है और ऑफ सेंटर होल में उसको एक प्रकार से हुकिंग किया जाता है। जैसे कि ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये देखिए 2 होल है, ये सेंट्रल होल है जो कि आर पार है, उधर से आप डिटोनेटिंग फ्यूज डालेंगे, इधर से जो डिटोनेटिंग फ्यूज निकलेगी उसको ऐसा घुमा के इस छोटे होल में जो ऑफ सेंटर है उसके अंदर डाल दिया, जैसे मैंने इस तस्वीर में यहाँ पर आपको दिखाया गया। और अब ये जो बूस्टर था, कास्ट बूस्टर था, उसी को आपने जब डिटोनेटिंग फ्यूज डाल दी तो ये प्राइमर बन गया। अब इसको आप कास्ट प्राइमर भी कह सकते हैं। कास्ट मतलब ये बना बनाया जो आ रहा है और इसका जो डायमीटर है ये इसके लिए सुटेबल जो होल होगा उसी होल के अंदर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। हाई एनर्जी प्राइमर्स भी होते हैं, ये स्पेसिफिकली फॉर एफिशिएंट इनिशिएशन ऑफ ब्लास्टिंग एजेंट इसका इस्तेमाल होता है। इसके कंपोजिशन जो एक्सप्लोसिव्स का है इसमें देखिए बहुत से अलग अलग कंपोजिशन ऑफ एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन TNT, PETN ये इनके प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं और इसको पेंटोलाइट नाम के ट्रेड नेम से भी ये मिलता है। और ये प्लास्टिक कंटेनर जैसा कि मैंने बताया आपको सिलेंड्रिकल शेप का होता है उसमें रहता है। कई बार कुछ जिलेटिन प्राइमर्स भी है, एज द नेम सजेस्ट जिलेटिन यानी इसमें जिलेटिनस या नाइट्रोग्लिसरीन टाइप का एक्सप्लोसिव होता है और ये थोड़े सस्ते ज़रूर होते हैं लेकिन ये ज़रा खतरनाक होता है, शॉक सेंसिटिव होते हैं ये कास्ट प्राइमर की अपेक्षा, क्योंकि अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर रहा तब तो इसकी सेंसिटिविटी ससेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये थोड़े से खतरनाक माने जाते हैं और इसके अंदर हेडेक का भी एक दुर्गुण होता है, लेकिन ये भी कास्ट प्राइमर जैसे कास्ट फॉर्म में मिलते हैं। बूस्टर जो है इसीलिए दिया जाता है कि डिलीवर जो डिटोनेटर्स है वो सफिशिएंट एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकता टू सेट ऑफ द ब्लास्टिंग एजेंट्स। ब्लास्टिंग एजेंट को एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए जो कि मामूली डिटोनेटर से या डिटोनेटिंग कॉर्ड से नहीं मिल सकती है, तो बूस्टर को आप इसमें इनिशिएट करते हो या प्राइमर की शक्ल में लगा करके या बीच में उसको रख करके, और ताकि ये शॉक वेव सफिशिएंट क्वांटिटी के ये ब्लास्टिंग एजेंट में जो कि स्लरी इमल्शन या एन्फो किस्म के उसके अंदर इसको इनिशिएट कर सकते हैं।
तो जो बूस्टर होता है ये सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होता है, और ये कन्वेंशनल डिटोनेटर और जो लेस सेंसिटिव ब्लास्टिंग एजेंट है इनके बीच में एक ब्रिज का या एक जोड़ने वाला काम करता है, एक सेतु का काम करता है। और ये बूस्टर में वही एक्सप्लोसिव होता है TNT, PETN, और ये कैप को सेंसिटिव होता है। इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट है, इसकी वेट स्ट्रेंथ जो है वो 82 है, और वाटर रेजिस्टेंट भी इसका अच्छा खासा तगड़ा है, 7000 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन होती है। ये कास्ट बूस्टर भी आते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, और ये इसका इस्तेमाल आप एक्सप्लोसिव के बतौर नहीं कर सकते, इट्स नॉट ए सूटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सप्लोसिव। एक तो ये महंगे भी बहुत होते हैं, और दो सफिशेंटली लार्ज डिटोनेटर वुड इनिशिएट हाई एक्सप्लोसिव विदाउट द नीड फॉर बूस्टर चार्ज, बट इट इज़ अनसेफ टू हैंडल। ये अनसेफ भी होते हैं हैंडल करने के लिए, लार्ज अमाउंट में अगर उसको हैंडल करना चाहे। जो जितने भी बूस्टर आते हैं ये कार्डबोर्ड की पैकिंग होती है और ऊपर से प्लास्टिक का कवर होता है, और चूंकि ये इस प्रकार से रेडीमेड फॉर्म में आता है इसलिए इसको कास्ट बूस्टर्स कहा जाता है। ये देखिए ये कास्ट बूस्टर है, इसी में अगर आप डिटोनेटिंग कॉर्ड लगा देते हैं तो समझ लीजिए वो प्राइमर बन जाता है जिसको प्राइमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ देखिए ये बूस्टर यहाँ बीच में दिया हुआ है, ये प्राइमर दिया है, और ये चार्ज है कॉलम चार्ज ऊपर नीचे इस बूस्टर के, और ये ऊपर स्टेमिंग है। क्योंकि कई बार जो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन नीचे से जा रही है वो यहाँ आते आते थोड़ी वीक हो जाती है, हो सकता है कि वही एनर्जी यहाँ ऊपर तक जाने में सक्षम ना हो, इसलिए यहाँ पर एक बूस्टर दे दिया जाता है जो इस आने वाली एनर्जी को फिर से पंप करके ऊपर तक पहुँचाता है। तो इस जो इसके अंदर जो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन का ट्रैवल की स्पीड होती है वो उतनी ज़्यादा नहीं होती जितने की बूस्टर की होती है, तो इसको निगोशिएट करने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ लिखा भी है समटाइम्स आफ्टर डिटोनेशन ए लो सेंसिटिविटी एक्सप्लोसिव मे शो साइन ऑफ लूजिंग द VOD। यहाँ आते आते तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन लूज कर जाएगी, थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी अलॉन्ग द कॉलम, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम बूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे सूरत में। और बूस्टर कैन बी प्लेस्ड एट अप्रोप्रिएट इंटरवल, हो सकता है 2-3 भी रखना पड़ जाए हमको, और ये कई बार 30 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ होल जो है उतने डिस्टेंस पर इसको रखने का रिवाज होता है ताकि VOD आगे एक्सप्लोसिव कॉलम में भी पहुंच जाए। और ये मान लीजिए कहीं पर हार्ड फॉर्मेशन है, आपको लगता है कि इस जगह पर कुछ हार्ड फॉर्मेशन है तो यहाँ पर आप एक बूस्टर लगा दें, तो ये बूस्टर इस हार्ड फॉर्मेशन को भी निगेशिएट करता है और आगे भी VOD को पहुँचाता है। तो ये इनकी भूमिका होती है चार्ज, ये प्राइमर की और बूस्टर की। प्राइमर बूस्टर ही है आप समझ सकते हैं जिसके अंदर आपने डिटोनेटिंग फ्यूज को इंसर्ट किया है, और ये बूस्टर जो है ये प्रोपेगेट करता है VOD को आगे। पेंटोलाइट के कास्ट बूस्टर आते हैं, 500 ग्राम के आते हैं ये, 500 ग्राम वजन के, और कैप सेंसिटिव होते हैं जैसा कि होना ही चाहिए इन्होंने, और PETN, TNT इसके कास्टिंग मटेरियल है इसके अंदर, और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ PETN 20-50% तक हो सकता है, और डिटोनेटर का जो इफेक्ट है वो एम्पलीफाई किया जाता है बूस्टर से ताकि जो ब्लास्टिंग एजेंट है उन तक वेव्स पहुंच जाए। सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं जैसा इसके अंदर यहाँ लिखा है, 2-5 इंच की इसकी डायमीटर होती है, और इसका वेट होता है 1-2 पाउंड तक का, और हेवी पेपर से रैपिंग होती है और प्लास्टिक की ट्यूबिंग भी होती है उसकी, और कई बार मेटल की भी ट्यूबिंग हो सकती है, मेटल का भी उसका खोल हो सकता है। तो ये इस प्रकार के कास्ट बूस्टर अलग अलग कंपनी के अलग अलग शक्ल में आते हैं, और 6-8000 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन होती है। तो ये यहाँ पर हमने इसको तो संक्षेप में देखा है। अब ये आप देखिए कि ये एक बूस्टर को दिखाया गया है, और ये आप देखिए कि सफिशिएंट इसका डायमीटर है,
ये माइंस में बहुत इस्तेमाल होते हैं। तो विद दिस आई कंक्लूड, और हम लोग ओपन कास्ट माइन के अंदर जो ब्लास्टिंग की प्रक्रिया है उसको आगे भी पढ़ेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।